के पार, लेकिन इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा मेरे यार। देख सकते हैं आप सभी की ऑल न्यू बजाज प्लेटिना 110 BS620 यूनिट 2 मॉडल। पेट्रोल्स का आप लोग रेट देख रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और लगभग 100 रुपये का पार हर जगह हो चुका है। कहीं बहुत कमी जगह होंगे जहाँ अभी भी 100 के कम होगा, पेट्रोल 99, 98, 97 रुपये होगा, बाकी मैक्स टू मैक्स जगह 100 के पार हो चुका है। आप जिस सिटी में रहते हैं आपका जितना लगता है रेट आप लोग कमेंट से जरूर शेयर करिएगा। तो क्यों आपके लिए सबसे बेहतरीन बाइक है, आप लोग पेट्रोल का रेट देख रहे हैं उसके हिसाब से क्यों प्लेटिना सबसे बेहतरीन बाइक है, कितना आपको इस गाड़ी से माइलेज मिलता है, हाईवे पर आपको कितना माइलेज मिलता है, सिटी में गाड़ी कितना माइलेज देती है, और अगर आपको हाईवे सिटी गांव और हर जगह आपको यूज़ करना है तो उसको मिला के ये गाड़ी कितना माइलेज देगी। आज आपको हम इस वीडियो में इसकी रियल माइलेज बताने वाले, कितना ये गाड़ी माइलेज देने वाली है और कैसा कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है, इस गाड़ी का प्राइसिंग कितनी रहती है, पूरी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे आप सभी की ऑल न्यू बजाज प्लेटिना के बारे में, तो आपको हम बता दें इसकी जो ABS वेरियंट देखने को मिलती थी, आपने फ्रंट में ये डिस्क ब्रेक देख सकते हैं 110cc में, लेकिन आपको इसमें एक ABS का भी ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन कंपनी ने अभी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। वो गाड़ी उनकी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही 110cc के हिसाब से, इसलिए कंपनी उसका प्रोडक्शन रोक चुकी है। अब आपको 110cc में ABS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। इंडिया की पहली बाइक थी जो 110cc में ABS लेके आई थी। चलिए इस गाड़ी के माइलेज की बात करते हैं, ये गाड़ी कितना माइलेज निकाल के दे सकती है। अगर आपको सिटी में राइड करना है तो आप गाड़ी से 55 का माइलेज निकाल सकते हैं, 55 तक आपको गाड़ी से माइलेज नहीं मिल जाएगा, जो कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात रहती है। मैक्स टू मैक्स लोगों की जो राइडिंग रहती है वो सिटी में ही रहती है, बम्पर टू बम्पर राइडिंग रहती है, तो आपको बम्पर टू बम्पर राइड में एक बेहतरीन माइलेज आपको ये गाड़ी निकाल के दे सकती है। 55 से 57, 58 तक आप इस गाड़ी से माइलेज निकाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी बाइक रखा है तो कमेंट से आप लोग जरूर शेयर करिएगा कि आपको इस गाड़ी से कितना माइलेज मिलता है सिटी में। उसके बाद हाईवे की बात करेंगे तो हाईवे पर आपको गाड़ी 65+ माइलेज निकाल के दे सकती है, जो कि कही है तो ये बहुत शानदार बात है। 65 के आसपास आपको गाड़ी ये माइलेज निकाल के दे देगी हाईवे पे, जो कि अगर बात करेंगे 110cc आपसे एक बेहतरीन बात है। इसमें आपको एक 100cc का भी इंजन देखने को मिलता है, तो आप उसकी इस मॉडल से भी आ सकते हैं। 100cc आपको 2-4 किलोमीटर का माइलेज जो है वो और इंक्रीज होते हुआ मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात रहती है। बजाज का ही आपको इसमें एक बहुत ही शानदार 115cc का BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है। अभी भी कंपनी आपका कार्बोरेटर यूज़ करती है, अपनी FI टेक्नोलॉजी खुद की जो इन्होंने बनाई है वो यूज़ करती है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी और अपनी जो बजाज का इंजन है मिल जाता प्लेटिना में, उसके कारण भी जो इंजन है थोड़ा सा अंडर पावर है, उसके साथ स्मूथ है, फाइन है, तो आपको माइलेज एक बेहतरीन देखने को मिल जाता है इस गाड़ी से। उसके बाद अगर आपको सिटी भी राइड करना है, बम्पर टू बम्पर राइड करना है, गाँव के रोड है, हाईवे राइडिंग है, सब आपकी राइडिंग है, तो उसमें आपको ये गाड़ी लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाल के दे सकती है। 58 से 60 का आप माइलेज इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। अगर आपको हर कंडीशन में राइड करनी है तो 60 के आसपास गाड़ी आपको ये माइलेज निकाल के दे सकती है, जो कि कहीं हद तक ये बहुत ही शानदार बात रहती है। और आपको पता है अभी तक कोई भी इंडियन मार्केट में एक बहुत शानदार इलेक्ट्रिक बाइक नहीं आ पाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी जो है उनकी बिल्ड क्वालिटी ना के बराबर है। बिल्ड क्वालिटी कंपनी को बिल्कुल बेहतर करनी जो होता है। जो भी गाड़ियाँ आज के डेट में इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रही है उनकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं मार खा जा रही है, तो बिल्कुल कंपनी को जरूर जरूरत है। उनकी प्राइसिंग भले 1 लाख के पार चली जा रही है लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छी नहीं रह रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी अगर गिर जा रही है तो उनमें अच्छे खासे क्रैक आ जा रहा है। फाइबर के पार्ट्स अच्छे खासे उसमें यूज़ करती हैं कंपनियाँ, ऐसा नहीं है कि आपको जो ये बाइकें रहती हैं इनमें आपको फाइबर का पार्ट्स नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनकी मटेरियल रहता है, जो कॉस्टिंग रहती है वो बेहतर रहती है। उसके साथ ही ऐसा कोई नहीं है कि गाड़ी हाई प्राइस है। अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लें तो ये गाड़ी आपको लगभग 70 से लेकर 80 हज़ार के बीच में इसके लगभग 2 से 3 मॉडल्स आ जाते हैं 110cc सेगमेंट के, वो आपको ईजिली देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें H गियर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 100cc का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 110 कम्फर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो जो आपको बेस्ट लगे आप उसे जा सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं ये आपका पेट्रोल ऑन ऑफ का नॉब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ होता है आपकी ऑल न्यू बजाज प्लेटिना, तो पेट्रोल भले 100 के पार चला जाए लेकिन प्लेटिना का जो माइलेज है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा और आपको एक बहुत ही बेहतर माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप में कोई भी 110cc की एक शानदार बाइक लेना चाहता है जो कि माइलेज फ्रेंडली है, एक शानदार लुक देखने को मिल जाए और साथ में बजाज का आप लोग इंजन जानते हैं, बजाज का ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर है और प्लेटिना 110cc वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक है, बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स है इसका 110cc सेगमेंट में, और 110cc में गाड़ी का और पकड़ दिन पे दिन बेहतर होता जा रहा है, कि इस गाड़ी कहीं ना कहीं माइलेज और इस गाड़ी की प्राइसिंग बहुत ही बेहतर कंपनी द्वारा सेट की गई है, और इस गाड़ी की जो राइडिंग पोजीशन है, जो राइडिंग क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल है, जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक है उनसे बहुत बेहतर ही गाड़ी कंफर्टेबल राइडिंग निकाल के दे सकती है, जो कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी के लिए बना हुआ है। तो अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है एक बहुत ही शानदार बाइक लेने का 110cc सेगमेंट में, तो बिल्कुल बजाज प्लेटिना को आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और पेट्रोल का अगर आपको पेट्रोल के खर्चों से बचना है तो आपके लिए एक बेहतर माइलेज वाली बाइक रहती है आप सभी की ऑल न्यू बजाज प्लेटिना 110 BS620 मॉडल। आप इसके 100cc बाइक के साथ भी जा सकते हैं, 100cc में आपको 2 से 4 किलोमीटर का माइलेज और बेहतर बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स ये डिटेल वीडियो माइलेज वाइज कैसी है प्लेटिना और क्यों पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, तो क्यों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल इस गाड़ी से जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा बजाज प्लैटिना से रिलेटेड या किसी भी दूसरी बाइक से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को भी जितना हो सके उतने को शेयर करिए। अगर आप में कोई भी बजाज प्लैटिना रखा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस गाड़ी से कितना माइलेज मिलता है। थैंक यू।